दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो हम सुबह जल्दी उठ के नहा धो के हम वापस आ रहे हैं, अब पूजा करेंगे। अंधेरे के कारण मैं वहाँ से आते समय वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बहुत ही अंधेरा था। और एक बार बता दूँ, रात में इतनी ठंड लगी कि रात काटनी मुश्किल हो गई। और एक हमारे छोटू मैंगू, उनका तो बिल्कुल बुरा हाल हो गया था। हमने बोला ये आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, इसलिए तब उठ चुका है वो। अभी ठीक है हमारा छोटू मैंगू, हिम्मत जुटा के अब चढ़ रहा है हमारे साथ। तो अभी हम जा रहे हैं पूजा करने। तो आज ही की रात में ये एक पेड़ गिरा था चीड़ का, बहुत ही खतरनाक तरीके से। देख सकते हैं यहाँ कहाँ तक पड़े इसके टुकड़े। ये डल पूरा ही पेड़ टूट गया है, वहाँ से उखड़ गया है। तो कृपया इधर आए तो पेड़ के नीचे ना सोऊं, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइव। तो अभी हम जा रहे हैं पूजा करने अंदर बाबा के मंदिर में, जो कि दो दिन से यहीं हैं हम। देखिए कितना खूबसूरत महेंद्र बाबा का मंदिर है। और ये हमारे अमन भाई और हमारे सुरेंद्र भाई कुछ पूजा की सामग्री तैयार कर रहे हैं, जिसके तुरंत बाद हम यहाँ महेंद्र बाबा की पूजा करेंगे। और यहाँ पे यह मान्यता है कि जो भी यहाँ पे मन्नत मांगते हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। और इसके तुरंत बाद हम जस्ट भगवती मैया जाएंगे, जहाँ आपको दिखाएंगे कि वह कितनी ऊंचाइयों पर है। और ये विशाल भाई हमारे महेंद्र बाबा की पूजा के लिए दरी बिछा रहे हैं, जिसमें हम बैठकर पूजा करेंगे। आप भी देखना हम कैसे पूजा करेंगे। और ये विशाल भाई ने दरी बिछा दी है। हमारे पंडित जी पता नहीं कहाँ है, थोड़ी देर में आएंगे तब हम पूजा करेंगे। तो हम नीचे से पूजा करके अब भगवती मैया जा रहे हैं। हम भगवती मैया के रास्ते दिखाते हैं कितना ऊंचा है, पहाड़ में है हमारी भगवती मैया। तो इस रास्ते जाते हैं हमारी भगवती मैया। देखिए बहुत ही ऊंचे पहाड़ में है हमारी भगवती मैया माता हमारी। तो हम वहाँ से जाएंगे। शुरू होता है दर्शन करने के लिए रास्ता। तो अभी जा रहे हैं भगवती मैया, यहाँ से सीधी चढ़ाई है बिल्कुल। अगर आपके मन में श्रद्धा है सच्ची, तो एक ही उसमें चढ़ना होता है, एक आराम करना नहीं होता है बीच में। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो। हमारे मन में तो है, हम तो कोशिश करेंगे कि एक ही इसमें चढ़े हम। तो अगर हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको रास्ता पूरा। अब आसपास देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने ऊंचे में हमारी भगवती मैया के दर्शन करने जा रहे हैं हम। दिख रहा होगा रास्ता जो बिल्कुल सामने है, देखिए बिल्कुल ऊंचे में। तो कल हम वो गांव में गए थे डांडा कठौल, जो यहाँ से दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, देखिए जूम करके। कल वहाँ गए थे हम, उसकी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में इसी चैनल में बैन फैन ब्लॉग में। और यहाँ देखिए कितनी बेकार रोड हो गई है ये रास्ता, फैन बारिश के कारण यहाँ इतनी ख़राब हो गई है। पहले ये सुविधा नहीं थी, यहाँ कुछ नहीं बनाया गया था एक साल पहले। आप देखा जा रहा है यहाँ बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, यहाँ सब कुछ लगा दिया गया है। ये देखिए बारिश के कारण कितना नुकसान हो गया यहाँ। लेकिन हमारी भगवती मैया के दर्शन करने के लिए हमारा कुछ रास्ता नहीं टूटा है,
और इससे बड़ी सच्चाई और क्या हो सकती है। और यहाँ जा रहे हैं अभी हम, लगभग 1 किलोमीटर होगा, क्योंकि हमारे आगे अभिषेक भैया जा रहे हैं। देखिए उनके मन में बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है कि इस बार कुछ उनकी मनोकामना पूरी हो जाए जो इन्होंने रखी है, और हमने भी रखी है, हमारी भी हो जाए, हम फिर आएंगे यहाँ दर्शन करने। और रास्ते में बिल्कुल पत्थर ही पत्थर है, बहुत चुभते हैं पत्थर, तब भी मन में श्रद्धा है तो हमें तो जाना ही है। और आपको इतनी थकान भी नहीं लगेगी अगर आप सच्चे मन से आ रहे हैं तो। अगर आपके मन में कुछ गलत विचार हैं तो आप यहीं से वापस हो सकते हैं, आगे भी नहीं जा सकते, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। तो अभी हम इतने ऊपर आ चुके हैं, देखिए वो गेट दिख रहा होगा सामने बिल्कुल, तो अभी हमें और ऊपर जाना है। तो अभी हम बढ़ ही रहे हैं आगे, और देखिए कितने प्यारी यहाँ पे सीढ़ियाँ बना रखी हैं ईंटों से, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत। और हमारे सामने हमारी भगवती मैया का मंदिर दिख रहा होगा जो हम पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। आप देखिए कितनी बढ़िया लोकेशन है यहाँ, आसपास का नज़ारा बिल्कुल शानदार, मज़ा आ गया, क्योंकि हम शायद सबसे ऊंचे वाले पहाड़ में जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ऊंचे वाले पहाड़ी में शायद हमारी भगवती मैया का द्वार है, हम वहीं जा रहे हैं। और हम वहाँ जाके दिखाते हैं आपको कि हमारी भगवती मैया का द्वार। तो बस अब कुछ 100 मीटर की दूरी में बचा है, तो अभी हम पहुँचने ही वाले हैं। तो हम अभी चढ़ चुके हैं अपने भगवती मैया के द्वार में। भगवती मैया की जय, भगवती मैया की जय। तो अभी हम पूजा करेंगे ऊपर जाके, इधर पहले ऊपर करें भैया। तो आपको और खूबसूरत नज़ारा लेना है तो इस टावर में चढ़िए आप, बिल्कुल सामने ऊपर। तो ये हमारे भगवती मैया का द्वार है, अभी सर हम पूजा करेंगे, देखिए कितना खूबसूरत है। तो हम माता की पूजा करने के लिए यहाँ बैठ चुके हैं, देखिए। और ये हमारी धूपबत्ती जल रही है क्योंकि हम माता की पूजा करेंगे। और ये हमारी माता जी देखिए कितनी खूबसूरत है। मेरी आस तू है माँ, विश्वास तू है माँ, मेरी आस तू है माँ, विश्वास तू है माँ, मेरी हर खुशी का अब आ। भगवती मैया के जय।